हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जी एफ जी प्रॉब्लम। आज की जी एफ जी प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि एक गीक है, वो गीक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, ठीक है। और उसने ना एक ऐसी लिस्ट बनाई हुई है, ब्लैक लिस्ट, जिसमें जो भी एम्प्लॉयज़ का नाम है वो उनको कभी भी निकाल सकता है, ठीक है। अपने को एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। और जो एम्प्लॉय है ना, जब भी वो कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसको एक रैंक दे दी जाती है। वो रैंक कुछ भी हो सकती है, 1 से N के बीच में, ठीक है। और जो कंपनी है ना, वो एक हायरार्किकल मैनेजमेंट पे चलती है, जिसमें हर एम्प्लॉय के ऊपर उसका एक इमीडिएट सीनियर होता है। ये देखिए, ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल एज वेल। अब गीक जो है ना, उसका एक स्ट्रेंज और अनफेयर तरीका है क्या करने का, कि एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करने का, ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करता है, क्या उसका एक मेथड है, क्या करता है वो, एम्प्लॉय की रैंक प्लस उसके ऊपर कितने सीनियर्स हैं उनको काउंट कर, उनका सबमिशन करता है। और अगर वो एक प्राइम नंबर आया तो उस एम्प्लॉय को वो ब्लैक लिस्ट के अंदर रख लेता है, फिर वो उसको कभी भी निकाल सकता है, ठीक है। साउंड्स मोर इंटरेस्टिंग। अब आगे क्या है कि अपने को ना एक एरे दिया हुआ है, ARR, ठीक है। उसके अंदर जो भी अपने को एम्प्लॉयज़ की डिटेल है वो रैंक वाइज दी हुई है, ठीक है। मतलब जैसे कि 4 साइज़ का एरे है, तो फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है वो फर्स्ट रैंक को बता रहा है, सेकंड इंडेक्स सेकंड रैंक को, थर्ड इंडेक्स थर्ड रैंक को, एंड सो ऑन, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। और ठीक है, अपन इसको ना एक एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हाँ, ये बात जो मैंने आपको बोली थी कि ब्लैक लिस्ट कांट कंटेन गीक्स नेम, हाँ, वो अपने को समझ में आई गया। ऑफकोर्स सी बात है, ऑनर का नेम नहीं आएगा, ठीक है। अपना एग्जाम्पल क्या था, 40112। जैसे मान लो 0112, ठीक है। अपन फॉर श्योर हैं कि सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा गीक रहेगा, ठीक है ना। अब अगर दो कोई भी पर्सन है, उनको सेम रैंक अलॉटेड है, तो फॉर श्योर है कि वो उसके जस्ट, वो दोनों सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर, क्योंकि अपने को बताया गया था जो भी इमीडिएट जो भी मेंबर है, ठीक है, उससे वो उसकी रैंक डिफाइन हो रही है, तो ये ऑफ कोर्स इसके नीचे होगा, ठीक है। तो अब अपना ये ऐसा कुछ ट्री बन गया, ट्री बोल सकते हैं अपन इसको, ग्राफ बोल सकते हैं अपन इसको, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपना इसमें मेथड क्या हो गया, सिंपल है कि ये जो है वो कंपनी का ऑनर है, ये तो गीक है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब इसको आओ, इसकी रैंक क्या गिवन थी और इसकी भी रैंक क्या गिवन थी। रैंक कैसे निकलती है, इंडेक्स नंबर प्लस 1 से। तो इंडेक्स नंबर था इसका 1+1 यानी कि 2, ठीक है। प्लस इसके ऊपर कितने सीनियर प्रेजेंट थे, सिर्फ एक था, तो इसका आ गया 3। मतलब 3 अपना प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स है। अब इसका क्या इंडेक्स नंबर था, इसका इंडेक्स नंबर था 2, मतलब 2+1 3, और इसके ऊपर भी एक सीनियर प्रेजेंट था यानी कि 4। 4 प्राइम नंबर नहीं है, ओके। अभी अपना 2, इसका इंडेक्स नंबर क्या था, इसका इंडेक्स नंबर था 3, 3+1 4, 4+ इसके ऊपर कितने सीनियर्स हो गए, 1 2 3, 3 सीनियर्स हो गए, सही है। नहीं भाई, नहीं सही है, रीजन भी एंडेड। इसके ऊपर कितने सीनियर प्रेजेंट थे, टोटल ट्री में कितने सीनियर थे वो नहीं पूछा, इसके ऊपर कितने सीनियर थे, तो इसके ऊपर तो सिर्फ एक और एक दो ही थे ना, ओके। टोटल हो गए 6, ओके। तो अपने को समझ में आ चुका है अपने पास क्या क्या नंबर आए, 3 4 और 6। इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, सिर्फ एक 3 वाला है। अपन आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, अपना आउटपुट 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अपने को वही दिया हुआ था, देखो, 2+1 3 और 3+1 4 और 4+2 6, ठीक है। अपन एक बार इस क्वेश्चन को और ले लेते हैं, मतलब इस एग्जांपल को और ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिया 2 3 और 0 था, तो 0, ठीक है। सबसे पहले हमारा बॉस होगा यानी कि 0, गीक, ठीक है। फिर गीक के जस्ट इमीजिएट कौन है, 3, तो एक रैंक होगी 3 की, ठीक। फिर उसके जस्ट इमीजिएट कौन है, 2, तो एक रैंक होगी 2 की,
सॉर्ट इट एग्जैक्टली। तो अब अपने को निकल के आ गया 3 की अपने को इंडेक्स नंबर क्या गिवन है, 1, 1 + 1 2, 2 हो गया, प्लस इसके ऊपर कितने सीनियर प्रेजेंट है, 1, तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, 2 का अपने को इंडेक्स नंबर क्या दे रखा है, 1। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 था प्लस 1 तो 1 हो गया, और इसके ऊपर कितने सीनियर प्रेजेंट है, 2, तो ये भी अपना क्या हो गया 3। 3 + मतलब यहाँ पे अपने को दो आंसर निकल गया है, 3 और 3 मतलब कि 2, काउंट इन का 2 हो गया, यानी कि दो प्राइम नंबर, दो ऐसे इंसान प्रेजेंट हैं। तो हाँ, 1 एंड 2 दोनों अपने ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, सिंपल। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसकी अप्रोच कैसे होगी? अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने को हमेशा इसका मतलब जो गीक है वहाँ से कैलकुलेशंस करनी है, प्लस इनके एक पेरेंट पेरेंट को अपने को स्टोर करके चलना है, या फिर पेरेंट का अपने को काउंट रखना है जिससे अपन निकाल लें। ऐसा कोई अपने डाटा स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है? ऑफकोर्स ग्राफ, ग्राफ से अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। अब ग्राफ से अपन क्या करेंगे, ग्राफ लेते हैं। ठीक, ग्राफ लिया, ग्राफ में अपन ने बता दिया कि 0 का कनेक्शन है 3 के साथ में। ठीक है, अब 0 का 3 और किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई इसके इमीजिएट नहीं है, यहाँ पे भी कोई इमीजिएट सीनियर होता, मतलब यहाँ पे भी कोई इमीजिएट एम्प्लॉय होता तो उसको अपन यहाँ पे जोड़ देते, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, और 3 का कनेक्शन है 2 के साथ में, सही। अभी एक तरीके का ग्राफ बन गया, अपन फर्स्ट एग्जांपल पे ले लेते हैं वापस। एक और क्या था, 0 1 1 2, तो 0 1 1 और 2। ठीक है, 0 आया, 0 के इधर क्या था, 1, और इधर भी क्या था, 1। ठीक है, 0 के कनेक्शन बस इतने ही थे, अब 1 का कनेक्शन था 2 के साथ में, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। अपना बस अपने को एक ग्राफ बनाते ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ग्राफ बनाते ही अपन इसकी रैंक बता सकते हैं, वो तो अपने पास इंडेक्स नंबर से आ ही जाएगी, तो रैंक बताना कोई टफ काम है ही नहीं। ठीक है, तो अपन क्या क्या स्टोर करेंगे ग्राफ के अंदर, एक तो उसके आगे वाले क्या क्या है, मतलब उससे अटैच क्या क्या है, कौन कौन से नोड उससे अटैच्ड हैं, प्लस वो कौन से लेवल पे है, सही है। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये प्राइम नंबर का को कैलकुलेट करने का कोड है, इसको अपन बाद में आएंगे, पहले अपन मेन कोड के अंदर आते हैं। मेन कोड में अपने को क्या दिया हुआ था, अपने को एक वेक्टर एरे दिया हुआ था। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले अपन ने उसको एक एडजेसेंट लिस्ट में उसको, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर में अपन ने उसको पुश करवा दिया। ऐसा अपन ने क्यों किया, देखो ऐसा है कि अपने को ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए अपने को नोड, एक नोड का कनेक्शन दूसरे नोड के कनेक्शन दूसरे नोड के साथ में दिखाना पड़ेगा। बट देखो, यहाँ पे पंगे समझो, यहाँ पे पंगे हैं, मान लो ये है, अपने को सबसे पहले तो इनके रैंक भी स्टोर करानी है, और रैंक जो होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, रैंक जो है वो हमेशा डिस्टिंक्ट आएगी, अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, तो अपन ने इनको एक बार में क्या किया, वेक्टर और वेक्टर इंड में अपन ने क्या करा है, 0 के साथ में इसका इंडेक्स +1 यानी कि 1 स्टोर करा दिया, 1 के साथ में 2 स्टोर करवा दिया, सॉरी, फिर दोबारा 1 के साथ में अपन ने 3 स्टोर करवा दिया, और 2 के साथ में अपन ने 4 स्टोर करवा दिया, जैसे अपने पास क्या है, इनके इंडेक्स नंबर भी अपन साथ साथ में स्टोर करवा पाए। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अपन ने उसमें क्या किया, अब अपनी एडजेंसी, ये अपने पास ऐसा बन चुका है पूरा का पूरा एक वेक्टर और वेक्टर इंट, अब अपन ग्राफ बनाएंगे। अपन ने ग्राफ इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट बनाया अपन ने, और उसके अंदर इंडेक्सेस कितने होंगे, मतलब कितने नोड्स के अपने कनेक्शन हो सकते हैं, एन, मैक्सिमम एन ही रैंक का हो सकता है। ठीक है, इक्वल्स टू एन हो सकता है, तो इसलिए अपन ने n+1 लिया है। ठीक है, अब अपना ये यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा, देखो वहाँ पे था, अब इसको कॉपी कर लाते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है,
अब देखो, आपने वो क्या दिया हुआ था, ये अपनी लिस्ट थी, मतलब ये अपना वेक्टर और वेक्टर इन था। अपन इसको ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बनाते वक्त अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो भी ये इसकी लिस्ट की साइज़ अपन ने उस तक चलाया, तो लिस्ट की साइज़ आपका उसकी बात है 4 है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। तो अपन ने 0 का कनेक्शन किसके साथ में कर दिया, 0 का कनेक्शन कर दिया अपन ने उस जो अपने वो था वेक्टर और वेक्टर इंट, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ में, मतलब 1 के साथ में अपन ने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये इनका रैंक के साथ में कनेक्शन कर रहा है, ठीक है, इनके रैंक के साथ में, मतलब इंडेक्स +1, जिससे ये अपना यूनिकली डिफाइन हो सके, ठीक। अब जब इसमें यहाँ पे आया, ठीक है, तो इसका इसमें किसने किसके साथ किया, इसने 1 का कनेक्शन किया, इसने किसके साथ में, 2 के साथ में किया, ठीक है। फिर ये दोबारा आया, वापस 1 आ गया, ठीक है। अब 1 का अब एक और कनेक्शन किसके साथ में हो गया, 3 के साथ में हो गया, ठीक है। फिर वापस आया, 2 आया, 2 का कनेक्शन किसके साथ में हो गया, 4 के साथ में, बिल्कुल सही बात है। एक बार इसका अपन ग्राफ देख लेते, ग्राफ इसका यही बना था, ठीक है। इन सभी इंडेक्स को 1 1 से 1 1 से प्लस कर दो, ऐसा कुछ अपना ग्राफ बन गया, ऐसा ही कुछ अपने को चाहिए था। अपना यहाँ पे 0 0 1 की जगह, ये अपने वैसे भी किसी काम के नहीं थे, यहाँ पे अपन ने वो स्टोर करवा लिया कि इनके रैंक कितनी है, रैंक वाइज स्टोर हो गया है, ग्राफ पूरा बन गया है। बस अब अपने को कुछ भी नहीं कराना, ग्राफ को बस अपने को इटरेट करवाना है, और इटरेट करवाते वक्त हमेशा देखो कोड से देख लेते हैं। अपन ने BFS लगाया, BFS में अंदर अपन एक क्यू बनाए, क्यू के अंदर सबसे पहले तो अपन ने उसका जो भी स्टार्टिंग नोड है वो पुश करवा दिया, मतलब 0 पुश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब तक अपनी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक अपने का चलेगा, और विजिटर को अपन मार्क करते जाएंगे, जिस भी नोड पे अपन एक बार विजिट कर लेंगे उसको अपन 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक कंडीशन है, ये मैंने ये पूरा BFS ट्रैवर्सल करवाया, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे मैंने एक कंडीशन क्या चेक करी है कि जो मेरा नोड है प्लस उसका जो लेवल है, अगर वो कभी भी प्राइम हो जाए, यही था वो प्राइम का कोड, प्राइम चेक करने के लिए, ठीक है। वो कभी भी प्राइम आए तो मेरा काउंटर जो है वो प्लस प्लस हो जाए, और लास्ट में मैं काउंटर ही अपना रिटर्न करवाऊंगा, आपने को वही चेक करवाना था, ठीक है। अब ये प्लस किस चीज़ को कर रहा है, नोड को प्लस लेवल को। अच्छा, मैंने उसमें क्या क्या स्टोर करवाया था, अगर आप इसको देखोगे लिस्ट को, तो मैंने उस पर क्या स्टोर करवाया था, 1 प्लस, मतलब जितने भी कनेक्शन थे मैंने सारे स्टोर करवा दिए, ठीक है। तो अपनी नोड आ गई सबसे पहले, तो नोड से उसकी रैंक निकल गई, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोला था आपने, वो एक तो रैंक निकालने, रैंक बोला था, देखो हाँ, वो सम करता है किसका, एम्प्लॉयर्स के रैंक का, तो रैंक आ गई अपने पास में। दूसरा कि कितने नंबर ऑफ सीनियर प्रेजेंट है, तो अब सीनियर कैसे निकलेंगे, जितनी बार उसका ट्रैवर्सल हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे था, यहाँ से ये 0 से जिस पे भी जा सकता है उस पे 1 टाइम में चला जाएगा, तो उसके पास हमेशा 1 ही सीनियर होगा, तो इसके पास हमेशा 1 सीनियर हो, मतलब इसके पास हमेशा 1 सीनियर होगा, और इसके पास भी हमेशा 1 सीनियर होगा, सही है। अब जब इसने दोबारा ट्रैवर्सल किया, तब उसका वो 1 प्लस, मतलब +1 कर देंगे अपन, तो इसके बाद में वो 2 बार में पहुंच सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी 2 सीनियर हो गए, श्योर थे अपन इस बात पे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपन हमेशा लेवल +1 स्टोर करवाते जाएंगे, और लास्ट में इन दोनों का मतलब हर बार अपन नोट जब भी अपन भेज रहे हैं तो अपन चेक करेंगे। अच्छा, तो फिर आपको ये बोलना चाहिए था कि मेरे को सीधा ही इस प्राइम चेक करना चाहिए था, मैंने नोड नॉट इक्वल्स टू स्टार नोड ये क्यों चेक किया है, ये इसलिए चेक किया है कि जो अपनी फर्स्ट नोड है, ठीक है, वो फर्स्ट नोड को हमेशा अपन 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी भी अपने को हमेशा देखना था ना कि गीक कभी भी नहीं आ सकता लिस्ट में, अपन ने एक नोट पढ़ा था, इसलिए अपन ने ये स्पेसिफिकली ये चेक करवा लिया कि गीक जब भी आ जाए तब ये कैलकुलेट ना हो, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा टफ है, ग्राफ का क्वेश्चन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम डेली की डेली ये पुश करते हैं, जो भी GFG का चैलेंज आता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं डेली, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है क्वेश्चन को समझने में, आंसर को समझने में। थैंक यू।